Hello everyone, how are you? Today we will discuss worksheet 1, 6 and do it yourself of the chapter prepositions, that is your unit 4. So in the unit 4 prepositions, as you can see in the picture, there is a story given, okay, and we have to fill up the missing part in the story to complete it. So as you can see, there is a tree, there is a crow, there is a fox, right? And crow is holding something in its beak and the fox is looking at the crow. So you can easily cover up what the story is. So I will be reading each and every sentence for you and we will fill up the blanks that are given. Okay, and all these blanks to be filled should be filled up with the prepositions, right? A crow was sitting dash a tree branch. Kahan baitha hai wo? It is sitting on. Uske upar, so it is sitting on a tree branch. It had a piece dash cheese. Kis cheese ka piece hai uske paas? Piece of cheese. Right? Then number three, a clever fox came dash the tree, near the tree. He wanted to eat the piece dash cheese, of cheese. He said, you have a very sweet voice. Could you please sing a song for me? The crow began to sing, cow, cow. The piece of cheese fell down. The foolish crow lost its piece of cheese. So dear children, ye jitne bhi humne blanks bhare hain, they all are prepositions. जो हम अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है एंड प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट या डायरेक्शन क्या होता है. अब हम क्या करेंगे, हम बीच की जितनी भी वर्कशीट्स हैं, ये टिल वर्कशीट 5, ये हम नहीं करेंगे. वी विल डायरेक्टली कम टू वर्कशीट 6. इसमें क्या करना है, वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड अगेन ये एड बॉक्स हमें नीचे दे रखा है. लेकिन डियर चिल्ड्रन, इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ. देखिए, हम बाय, ऑन, इन, ये मेनली तीन यहाँ पर जो प्रेपोजिशंस हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे बाय. बाय प्रेपोजिशंस का ज़्यादातर इस्तेमाल हम तब करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, चाहे शिप है, कार है, बस है, प्लेन है, तो उससे पहले जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी दैट इज़ बाय. और ऑन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू अ बॉडी पार्ट, जैसे ऑन फुट. हम कभी भी बाय फुट नहीं लिखते हैं, हम हमेशा ऑन फुट लिखते हैं बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू अवर बॉडी पार्ट एंड देयर विल बी यूजिंग ऑन प्रेपोजिशन, राइट? तो अब यहाँ पर आप यू कैन सी ऑन शिप, ऑन अ बाइसिकल, क्यों? उनके ऊपर जा रहे हैं. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे बाय कार, बाय बस, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? एंड इन अ स्पेस क्राफ्ट, एज वी नो दैट स्पेस क्राफ्ट जो है इट इज़ एन इनक्लोज स्पेस, तो वहाँ पर हम इन का इस्तेमाल करेंगे. तो आई विल ऑल्सो बी सेंडिंग दी पिक्चर्स और इमेजेस ऑफ द सेम, सो यू इट विल बी ईजी फॉर यू पीपल टू राइट इन योर बुक. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्कशीट जो है दैट इज़ डू इट योर सेल्फ. इसमें हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वी हैव टू डू इज, हमने जो भी ये सेंटेंसेस दिए हैं, हमने उनमें जो एरर है, जो मिस्टेक है, उसको इनसर्कल करना है और जो सामने स्पेस दी है उसमें हमने करेक्ट वर्ड को लिखना है, राइट? तो सबसे पहले फर्स्ट वन इज़ गिवन, इट वॉज लेट ऑफ द नाइट. लेट इन द नाइट हमने पढ़ा हुआ है, जो ये होते हैं आपके लॉन्ग पीरियड्स होते हैं, लंबा समय जो होता है उसमें हम इन का इस्तेमाल करते हैं, राइट? अनीता वॉज लुकिंग आउट एट हर विंडो. एट तो इस्तेमाल होता है पर्टिकुलर प्लेस के लिए, तो आउट ऑफ हर विंडो, अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी वो. शी सॉ अ स्ट्रेंजर एट द स्ट्रीट. एट नहीं, स्ट्रीट तो इतनी लंबी होती है, देर इज़ नो पर्टिकुलर प्लेस, तो एट पर्टिकुलर स्पेस के लिए होगा. एंड यहाँ पर हम जैसे वी विल बी यूजिंग इन प्रेपोजिशन. शी सॉ अ स्ट्रेंजर इन द स्ट्रीट. ही वॉज लुकिंग टू अ न्यू कार. नो, एट अ न्यू कार, क्योंकि कार जो है इट इज़ पर्टिकुलर थिंग, तो वी विल बी यूजिंग एट. ही ट्राइड एट फोर्स. ही ट्राइड टू, एट गलत है तो एट की जगह वी विल यूज टू. एंड लास्ट, विंडोज इन द कार. विंडोज कार के अंदर थोड़ी ना है, विंडोज तो कार की हैं, तो विंडोज ऑफ द कार. बट ही डिड नॉट सक्सीड. अनीता कॉल्ड आउट इन हिम, कॉल्ड आउट फॉर हिम, उसने उसे पुकारा तो फॉर हिम, बट ही डिड नॉट लुक अप. सो दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड, अगेन हमने जो डायलॉग है उसको कंप्लीट करना है. जैसे फर्स्ट है,
पिंकी एंड मिस्टर अग्रवाल के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिंकी क्या कह रही है? हेलो, मे आई स्पीक डैश गरिमा प्लीज़? तो मे आई स्पीक टू, क्या मैं गरिमा से बात कर सकती हूँ? तो मिस्टर अग्रवाल क्या कहते हैं? नो, शी इज़ नॉट एट होम, शी इज़ गॉन टू द डॉक्टर। मे आई नो हु इज़ कॉलिंग? तो शी सेज आई एम पिंकी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम जन, मैं कहाँ से बात कर रही हूँ? जनकपुरी से बोल रही हूँ। आई वॉन्ट टू नो इफ शी इड बी गोइंग डैश द पिकनिक, क्या वो कल फॉर द पिकनिक शी विल बी गोइंग और नॉट? तो अग्रवाल जी कहते हैं नो, शी कैनॉट गो टुमारो, शी सफरिंग फ्रॉम, वो किससे सफ़र कर रही है? हाई फीवर से। इनफैक्ट शी हैज़ गॉन टू द डॉक्टर फॉर हर चेकअप। राइट, तो इस तरह से यू विल बी कम्प्लीटिंग इट इन योर बुक्स। एंड देन इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेम डू इट योर सेल्फ। इसमें भी हमने क्या करा है, सेंटेंसेस में एक वर्ड को हमने चेंज करना है, यानी कि जो प्रपोजिशन है वो गलत दी है वो हमने करेक्ट करनी है। तो जैसे सबसे पहले सेंटेंस में बाय फुट लिखा है, तो मैंने आपको पहले बताया बाय फुट नहीं होगा, इट विल बी ऑन फुट। वैसे ही सेकंड में ऑन द क्लास नहीं होगा, इन द क्लास, क्योंकि क्लास इज एन इनक्लोज स्पेस। देन ऑन द टॉप ऑफ अ वॉइस, एट द टॉप, ठीक है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। देन आई एम स्टैंडिंग एट द स्कूल, नो, इन द स्कूल प्रेमिसेस, क्योंकि स्कूल प्रेमिसेस काफ़ी बड़ा होता है, तो इन द स्कूल प्रेमिसेस। देन नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑन द पीपल नहीं, फॉर द पीपल। राइट, तो ये जो भी करेक्शन है आपने करनी है, अंडरलाइन करनी है, और अब सेंटेंसेस को आपने ठीक करके दोबारा लिखना है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी, अगेन हमने वही प्रपोजिशंस यहाँ पे फिल करनी है, जो भी करेक्ट प्रपोजिशंस होंगी, जैसे रितिका एंड सक्षम वर गुड फ्रेंड्स, सम डेज अगो दे वेंट टू अ पार्क, द टू ऑफ देम प्लेड फॉर सम टाइम, रितिका सॉ अ लिटिल पपी सिटिंग अंडर अ ट्री, इट वॉज लिकिंग इट्स पॉ, रितिका वेंट नियर इट एंड पिक्ड इट अप, सक्षम वॉज स्केयर्ड ऑफ डूइंग दैट, वेन रितिका पिक्ड अप द पपी इन हर हैंड्स इट स्टार्टेड लिकिंग हर, अ थॉर्न इन द पॉ हैड कॉज्ड अ वुंड देयर, शी रिमूव द थॉर्न, दे टुक द पपी अलॉन्ग विद देम एंड अप्लाइड सम मेडिसिन ऑन इट्स वुंड, टू डेज लेटर द पपी वेंट बैक टू द पार्क हैप्पीली। सो ये जितने भी हमने प्रपोजिशंस लिखी हैं, दे वर्ड फिल ब्लैंक्स फिल किए हैं, दे ऑल आर प्रपोजिशंस। आई होप आपने अगर पिछले वीडियोज केयरफुली देखे हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस कौन सा है, डायरेक्शन कौन सा है, मूवमेंट कौन सा है और टाइम कौन सा है। सो डियर चिल्ड्रन, हमने ये चैप्टर 4 में हमने सिर्फ यही 3 चीज़ें की हैं, वर्क जो फर्स्ट पेज है, उसके बाद वर्कशीट 6 एंड डू इट योरसेल्फ। तो ये आपने अपनी बुक्स में काम कंप्लीट कर लेना है एंड डू इट विद अ पेंसिल, एंड होपफुली आप जो हैं रिवाइज भी अच्छे से कर रहे हैं चीज़ों को साथ के साथ, एंड डू इट नीटली एंड क्लियरली। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। इसके बाद वी विल बी डूइंग सम असाइनमेंट्स, मैं आपको असाइनमेंट्स भेजूंगी, वो हम करेंगे इन योर, एंड दैट यू विल बी डूइंग इन योर नोटबुक। सो थैंक यू एंड टेक केयर।